आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा XUV 400 जो कि एक ऐसी नई गाड़ी है जिसमें आपको XUV 300 के बेस में आपको एक 7-सीटर SUV कार मिलने वाली है। और इस गाड़ी में आपको जो फीचर्स मिलते हैं और आपको जो एक लुक मिलता है एकदम बेस इन क्लास होने वाला है। तो जैसे कि XUV 400 है, इंडिया में अभी तक तो नहीं आती। इंडिया में सिर्फ XUV के ब्रांड नेम से दो ही गाड़ी आती हैं, XUV 300 और XUV 500। लेकिन इंडिया में जल्दी XUV 400 आने वाली है जिसमें आपको XUV 300 के प्लेटफॉर्म में, उसके इंजन में, उसके लुक्स में आपको एक 7-सीटर SUV कार मिलने वाली है जो कि काफ़ी कम दाम में होने वाली है। और अगर आपको 10 से 15 लाख के बजट में अगर आपको फुल्ली लोडेड 7-सीटर SUV लेनी है तो बेस्ट होने वाली है। इसमें आपको एकदम बेस्ट इन क्लास फीचर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप इसके इंजन के बारे में बात करेंगे तो इस गाड़ी में आपको दो ही इंजन ऑप्शंस मिलेंगे जो कि आपको XUV 300 में मिलते हैं, जो कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन और एक आपको मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन। वैसे ये वाले इंजन काफ़ी पावरफुल होने वाले हैं और बाकी महिंद्रा इस गाड़ी के लिए स्पेशली इस वाले इंजन की पावर बढ़ाएगी ताकि ये गाड़ी एकदम बढ़िया भागे और आपको इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस मिले। और इसे और इस गाड़ी में आपको मैनुअल्स और ऑटोमेटिक्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इन जो उनसे आपको लेनी है आप ले सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको वही 19, 20, 21 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज मिलेगा जो कि आपको XUV 300 में मिलती है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप आते हैं इस गाड़ी के सबसे बड़े डिफरेंस में, जो कि इसके लुक शो की जो पहले से आपको अलग मिलने वाली है, एलिमेंट्स मिलने वाले हैं लुक्स में, तो अगर आप इस गाड़ी की को फ्रंट से देखें तो फ्रंट में इस गाड़ी में आपको वैसी ही लुक्स मिलेगी जैसे कि आपको XUV 300 में मिलती है और आपको आगे से वैसी ही लगेगी जैसे कि XUV 300 ही है। अगर आप इस गाड़ी को आप साइड से देखें तो साइड में इस गाड़ी में इसकी असली सच्चाई आपको पता चलेगी, जो कि इसमें आपको इसकी लेंथ देखने को मिलेगी, तो इससे आपको पता चलेगा कि XUV 400 है। और इस गाड़ी में आपको साइड में आपको 4.4 मीटर की लेंथ मिलने वाली है जो कि काफ़ी बढ़िया होने वाली है, ऑलमोस्ट महिंद्रा की XUV 500 जितनी है उससे ज़रा सी कम है। गाड़ी में आपको साइड में नए 17 इंची के अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो कि पहले से बढ़िया दिखने वाले हैं। और साइड में आप इस गाड़ी का सी पिलर देखें तो आपको इसमें जो रेंज रोवर की डिस्कवरी आती है वैसा ही आपको मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और इस गाड़ी का जो सबसे पीछे वाला जो ग्लास है वो भी आपको पहले से बड़ा मिलता है, क्योंकि इस गाड़ी में आपको 3-row सीट मिलती है। और इस गाड़ी में आपकी पीछे इसमें आपको जो सबसे अलग दिखने वाला है वो है इसकी टेल लाइट जो सबसे अलग है, और जो पीछे का बम्पर है और जो डिक्की नई मिलने वाली है। इस गाड़ी में आपको रूफ रेल्स मिलेगी, तो अगर आपको अपनी गाड़ी पे कुछ बांधना है सूटकेस वगैरह तो आप बांध सकते हैं। और बाकी इस गाड़ी में जो लुक्स है एकदम बढ़िया मिलती है, थोड़ी आपको डिफरेंट मिलती है पहले से। और अगर आप आते हैं इस गाड़ी के बेस्ट पार्ट में जो कि इसका इंटीरियर है, जो कि पहले से बढ़िया होने वाला है। इसमें जो लेआउट है वैसा ही मिलने वाला है प्लास्टिक और बाकी लेदर की कॉम्बिनेशन का, लेकिन जो मटेरियल है वो भी आपको नए मिलने वाले हैं। इस गाड़ी में इसका डैशबोर्ड में आपको एकदम नया आपको 7 इंची का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि काफ़ी एकदम बढ़िया होने वाला है पहले से। और इसमें आपको जो सारी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, तो अगर आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके उस पर अगर आपको कार्बलसर देखना है तो आप देख सकते हैं। इस गाड़ी में आपको पहले की तरह ही सनरूफ मिलेगा, तो अगर आपको अपने ऊपर के व्यू देखना है तो आप देख सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको जो फ्रंट की दोनों सीट आपको वेंटिलेशन वाली मिलेंगी, जो कि आपको फ़िलहाल वाली XUV 300 में आती है उसमें आपको नहीं मिलने वाली है। इस गाड़ी में आपको डुअल जोन AC मिलने वाला है, तो अगर आपको कोई और AC का टेम्परेचर सेट करना है और अगर आपके गो पैसेंजर को कोई और टेम्परेचर सेट करना है तो आपको झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम अलग अलग सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और इतने प्राइस में आपको किसी भी गाड़ी में आपको ये फीचर्स नहीं मिलता। और इस गाड़ी में आपको ड्राइविंग मोड्स मिलेंगे, तो अगर आप सेड पे, मड पे, स्नो पे या फिर इस गाड़ी को स्पोर्ट्स वाले मोड पे डालना है आप डाल सकते हैं। और आपका जो स्टेयरिंग का थोड़ा फीडबैक है वो भी आपको अलग मिलेगा। और इसमें आपको डिफरेंट इसमें सीट के लेआउट मिलने वाला है। इस गाड़ी में अब आपको 7 सीट मिलती हैं, जो कि
जो सेकंड रो सीट है जो थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। और अब इस गाड़ी में आपको 750 लीटर की आपको बूट स्पेस से मिलने वाला है और आपको पहले की तरह 7 एयरबैग मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि महिंद्रा काफ़ी फोकस कर रहे हैं अपनी गाड़ी की सेफ्टी पे। और इस गाड़ी पे आपको फ्रंट में भी डिफरेंट सेंसर मिलने वाले हैं। और इस गाड़ी में साइड व्यू मिरर में डिफॉगर है जो इस गाड़ी में सबसे अच्छा फीचर लगा, जो कि आपको 35 लाख की गाड़ी में भी नहीं मिलता, वो ये है कि इस गाड़ी की डिक्की में आपको डुअल पोर्ट वाला एसी चार्जर मिलता है या फिर आपको सॉकेट मिलता है जिससे आप डायरेक्टली मिक्स वगैरह या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको इंडिया की लगभग गाड़ी में नहीं मिलता। तो काफ़ी बढ़िया फीचर है, वो भी एकदम अलग सा फीचर है, काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर है। तो फ्रेंड्स बताइएगा ये गाड़ी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें, और जो मेरी इस वीडियो पर नई है वो सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। और फ्रेंड इसका जो लॉन्च है इंडिया में वो होगा 2021 से 2022 में। इसका जो लॉन्च है वो थोड़ा लेट होगा, अगर आपको कुछ सालों बाद 7 सीटर कार लेनी है तो सबसे बेस्ट होने वाली है। तो इस वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी दोस्तों बताना कमेंट में आपको ये महिंद्रा XUV400 में कैसी लगी और क्या आप इसको खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट में बताएँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।